और भाई यह बना हुआ है टनल जो रोड के बीचों बीच बनाए जाते हैं, और ज़्यादातर भाई यही गंगा एक्सप्रेसवे की यह लोकेशन है, करणपुर गांव है पीछे, और यह सामने पड़ता है रारेट, इधर पीछे की साइड से है करणपुर, और यह रोड गया है इस्लाम नगर, बैजुई और चंदोसी के लिए। और यहाँ पर दो लाइनों का क्रॉसिंग अंडरपास बनाया गया है, काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई है इस अंडरपास की। यहाँ पर मेन रास्ता है और भाई ऊपर की तरफ है वो रोड, यहाँ तक कंप्लीट नहीं हुआ है, बाकी इधर साइड से काफ़ी दूर तक कंप्लीट हो गया है, और हम जाने वाले हैं इधर साइड में। तो वीडियो में मिलेगी आप लोगों के लिए फुल जानकारी, भाई अंत तक बने रहना, हम दिखाते हैं अगली जगह, भाई अगली ऊपर जगह कितना काम हो गया है। हम भाई गंगा एक्सप्रेसवे की VIP लाइनें यहाँ बन रही है, वहाँ पर आ चुके हैं। सामने आप लोगों के लिए अंडरपास दिखाई दे रहा होगा, और यह वाली जगह देख सकते हो, यहाँ पर बहुत ही कम काम हुआ है, और देख सकते हो अभी के फ़िलहाल में पहली आधे घंटे पहले ही यहाँ पर बारिश हुई थी, और देख सकते हो यहाँ की मिट्टी भाई बहुत ज़्यादा कट चुकी है, यहाँ से देख सकते हो बहुत ज़्यादा मिट्टी कट के भाई नीचे जा चुकी है। और ये वाला रोड चल रहा है यहाँ से बिसौली से इस्लाम नगर की तरफ को, और वहाँ पर ही अंडरपास बनाया गया है, मैंने दिखाया आप लोगों के लिए। और इधर साइड से काम देख सकते हो, इधर साइड बाउंड्री हो चुकी है, और इधर काम बहुत कम हुआ है, थोड़े बीच का गैप है लगभग 1-2 किलोमीटर का, उससे आगे की तरफ बहुत ज़्यादा काम हो चुका है, मैंने दिखाया है आगे की तरफ। और इस लोकेशन पे हम पहली बार ही आए हैं, और इससे आगे चलकर देखते हैं भाइयों, वीडियो बन रहा अंत तक, और हम दिखाने वाले हैं आज गंगा एक्सप्रेस का कितना कितना काम कहाँ कहाँ और कम्प्लीट हो गया है। और भाई देखो यहाँ देख सकते हो कितनी कितनी ज़्यादा मिट्टी है वो कट चुकी है, बहुत ज़्यादा भाई वो मिट्टी ने कट के नीचे जा चुकी है। और चलते हैं हम आगे की तरफ वहाँ पर, और देखते हैं कितना कितना काम हो चुका है। और भाई यह बना हुआ है टनल जो रोड के बीचों बीच बनाए जाते हैं, और ज़्यादातर भाई यही रह गया है यहाँ पर, ज़्यादातर रोड पड़ ही चुके हैं, और यही थोड़ा ऐसा ही रह गया है आगे की तरफ लगभग, और रह गया है 500 मीटर की दूरी तक, बाकी की पीछे वहाँ से तो टोटल 1-1.5 किलोमीटर होगा, यह रोड पड़ा हुआ नहीं है, उससे आगे की तरफ काफ़ी काम कंप्लीट ही हो चुका है, सारा का सारा रोड रोड पर चुका है। यहाँ भाई कोई सी लाइन एक भी कंप्लीट नहीं हुई है, इधर साइड से सर्विस लाइन होना चाहिए थी, वो भी भाई अभी कंप्लीट नहीं हुई है। और यहाँ जो मैं खड़ा हूँ ये VIP लाइनों की जगह है, और वो सर्विस लाइन की सर्विस साइड की, तो भाई कोई सी यहाँ लाइन एकदम कम्प्लीट हुई ही नहीं है। और हम चलते हैं और आगे की तरफ, इससे अलग और एक टनल बना हुआ है आगे की तरफ, वहाँ दिखाई दे रहा होगा, ऐसे ही रास्ता बना दी गई है ट्रकों द्वारा, जो ट्रक जाते हैं उनके लिए। चलते हैं हम आगे की तरफ, तब तक के लिए वीडियो बने रहना अंत तक। और यहाँ पर भी देख सकते हो मिट्टी का ही कार्य चल रहा है थोड़ी दूर हटके, और यहाँ पर भाई मिट्टी तो एकदम फुली हो चुकी है, इसकी कुटाई भी हो चुकी है ऊपर की तरफ, और केवल पड़ना है तो इस पर पत्थर वाली लेयर, पहली लेयर पड़ेगी, फिर भाई दूसरी लेयर पड़ती है, तीसरी लेयर में रोड कम्प्लीट हो जाता है। और अभी के टाइम पे बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है, और यह आगे आने वाली है पुलिया सहसवान और बिसौली वाला जो रोड गया है, वही वाली पुलिया है। और भाइयों यह वाली जगह देख सकते हो, यहाँ पर अभी फ़िलहाल में ही रोड पड़ा है यहाँ पर लगभग 2-4 दिन पहले ही, और यह नालियाँ भी एकदम ताज़ी बनी गई हैं, देख सकते हो उन एकदम उनका कलर ही अलग है बना हुआ। और अभी टाइम पे बारिश अभी भी थोड़ी थोड़ी हो रही है, और इससे पहले बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी थोड़ी देर पहले, और यहाँ का काम है वो काफ़ी दूर तक कम्प्लीट हो चुका है। मैं खड़ा हूँ इस सर्विस लाइन पर, और इधर जो VIP लाइनें हैं दोनों कम्प्लीट हैं, इधर साइड से देख सकते हो दूर तक। और पीछे एक अंडरपास में खड़ा हुआ था वहाँ पर, वो भी अंडरपास कंप्लीट हो गया है, आगे एक अंडरपास है वहाँ भी कंप्लीट हो चुका है, मगर यहाँ से थोड़ी दूर तक लगभग 300 मीटर की गैप है यहाँ पर, यहाँ का रोड अभी तक बनके तैयार नहीं हुआ है, और उससे आगे की तरफ वहाँ भी रोड कंप्लीट है। दिखाते हैं आगे का नज़ारा, तब तक के लिए अंत तक वीडियो में बने रहना। हम अब रोड के ऊपर आ गए हैं, VIP जो लाइनें हैं उनके ऊपर, और यहाँ पे दोनों लाइनें कंप्लीट हैं, VIP वाली देखो, वो वाली भी और यह वाली भी, और इसके साइड में सर्विस लाइनें
अभी कंप्लीट हो चुकी है, इधर साइड वाली है वो नहीं है अभी, ये कंप्लीट अभी तक। और अभी के टाइम पे यहाँ काम बंद है बिल्कुल, क्योंकि एक ये अंडरपास है, इसका नंबर है 148+209। यहाँ देख सकते हो एकदम बन के कम्प्लीट हो गया अंडरपास। और बारिश के बाद नज़ारा कुछ इस प्रकार का है दोस्त, देख सकते हो भाइयों। यहाँ एक टनल वाली पुलिया है जो सामने दिखाई दे रही है, इसमें भाई इतना ज़्यादा रेता भर गया है, जितनी पुलिया है उतनी तो दब चुकी है, मिट्टी के लेवल आ चुका है, देख सकते हो इतना रेता बस चुका है। और अब की बार बारिश बहुत ज़्यादा हुई है इस साल, बहुत जम जम के हर बार बारिश हुई है। और यहाँ की रोड की मिट्टी भी कट चुकी है, देख सकते हो यहाँ से बहुत सारी मिट्टी जा चुकी है कट के, और यहाँ थोड़ी सवाल दी गई है मिट्टी, वैसे यहाँ से भी कट गई थी। और इस जगह रोड का कार्य है वो कंप्लीट हुआ ही नहीं है बिल्कुल, और मिट्टी पड़ गई है थोड़ी थोड़ी, लगभग 3 फुट के लगभग होगी पड़ी हुई। और यहाँ हर बार बारिश में रास्ता कट जाती है, देख सकते हो बहुत ज़्यादा रास्ता कट जाती हैं। और इधर हम सर्विस लाइन पर चल रहे हैं, यह नज़ारा खेतों का है। यहाँ अभी मिट्टी का काम हल्का हल्का शुरू ही हुआ था, क्योंकि अभी 6 या 7 दिनों पहले से बारिश नहीं हो रही थी और फिर अब बारिश शुरू हो गई है, तो मिट्टी का काम फिर से रुक जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो ये जगह कीचड़ बन गई है पूरी पूरी, और यहाँ मिट्टी का कार्य शुरू ही किया जा रहा था। और एक अंडरपास और आ चुका है आगे की तरफ। और भाइयों हम वीडियो करते हैं यहीं पर लास्ट, और वीडियो के लिए एक लाइक कर देना और चैनल के लिए एक सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोग भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद देखना, ऐसी ही वीडियो बहुत सारी आप लोगों को मिलती रहती हैं, ज़्यादातर हमारे चैनल पे गंगा एक्सप्रेस वे रोड की ज़्यादा वीडियो हैं। तो करते हैं वीडियो यहीं पर लास्ट, और